लखनऊ में एटीएम बदलकर खाते से पैसे निकालने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। एडीसीपी पूर्वी अली अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरोपियों ने धोखे से एटीएम बदलकर खाते से पैसे निकाले थे, वहीं पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 199 एटीएम और 5,000 रुपये भी बरामद किए हैं। कुछ दिन पहले थाना चिन्हट में एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला का एटीएम स्वाइप कर लिया गया था। वो एटीएम स्वाइप करके उसके अकाउंट से काफी पैसे निकले थे। कुछ पैसा कैश के फॉर्म में निकला था, 45,000 रुपये ऑलमोस्ट कैश निकला था और 50-55,000 रुपये से शॉपिंग की गई थी। तो तत्काल जैसे ही पुलिस को उसकी सूचना मिली, इस पर एक अभियोग थाना चिन्हट में पंजीकृत हुआ था और जब उसको हमने ट्रेस करना शुरू किया तो ट्रेस करने में ये चीज़ें निकल के आई कि शॉपिंग की गई है पैसे से। और उसको जब फर्दर ट्रेस किया गया, कैमरे देखे गए और बीटीएस से जब उनके मोबाइल नंबर निकाले गए तो इसमें दो अभियुक्त मिले हमको, जिनके नाम एक का पवन कुमार यादव है, दूसरे का सचिन है। दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ साथ इनके पास से कुछ कैश की बरामदगी हुई है और काफ़ी मात्रा में इसमें एटीएम मिले हैं। 119 एटीएम इनके पास से बरामद किए गए हैं। एक टू व्हीलर इनके पास अपाची बरामद हुई है और एक जो शॉपिंग के माध्यम से इन्होंने जो क्रॉकरी सेट लिया था वो हमने बरामद किया है। एक इनका साथी और है जिसको अभी हम गिरफ्तार नहीं कर पाए, जिसके पास बाकी माल है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई, जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी।